सागर जिले के रसेना ग्राम के एक 32 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। एसडीओपी पूजा शर्मा ने पूरे मामले में पुनः जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक झिरिया खेड़ा ग्राम से लगे हुए जंगल के सागौना के पेड़ पर रविवार की रात लगभग 11 बजे रसेना निवासी महेंद्र विश्वकर्मा ने आत्महत्या कर ली। मृतक महेंद्र के परिजनों का आरोप है कि युवक ने फांसी नहीं लगाई, उसकी हत्या की गई। मृतक की पत्नी ने किसी ममता ठाकुर पर आरोप लगाया है कि उसके पति को ममता हमेशा फोन करती थी और उसे भी जान से मारने की धमकी देती थी। उस रविवार को रात में एक बार फिर से उसका फोन आया और तब से पति गायब हो गए। वहीं मृतक के पिता सुरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा है कि बेटे ने अगर फांसी लगाई है तो हम लोगों के बिना पेड़ से कैसे नीचे उतारा गया। बेटे के चेहरे पर चोटों के निशान भी है, उसका फोन, पर्स और आईडी सारी चीजें गायब हैं। इस मामले में एसडीओपी पूजा शर्मा ने जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। लड़का हमारा छूट बारा हमारे देख भी गांव में गए ढूंढ भी मिलो ने एक बार में हमारे यान के सो गए हमने भज्जापन सभी ने पता लगे भी सभी ने गए हमारे देख भी तो इतने झिरिया खीरी में पता लगो तो कौन फांसी लगाई वो तो गए हमारे देख भी सो जी खेत में परी मिली डरी थी खेत में निशान भी है थी तेलाड़ों की आँख की बगल में तो एक बार में कहने लगी फांसी लगाई थी पुलिस आई थी सो नंबर ने उतारा होते। ये किसने बताया आपको कि एक लड़का ने बताओ झिरिया खेड़े हाँ तो हमने कहीं ऐसे कैसे उतारो हैं जब वो रखें तो वो जेब में डायरी रखें तो मोबाइल रखें तो हैं नंबर है तो फोन भी नहीं लगाओ घरे आधार कार्ड भी रखें तो पुलिस ने आप लोग को जानकारी नहीं दी। पुलिस ने जानकारी उन्होंने खुद लाश को उतार दो हाँ तो आपको क्या लगा रहा कि फांसी लगाई है। फांसी नहीं लगाई उसको मारो है मर्डर करो है। कौन पोषक है आपको। ममता और ममता की परिवार ये कौन है वे ठाकुर है। नहीं तो आपको इनके ऊपर शक कैसे है आपको क्या कारण है शक उनकी कोई विवाद चल रहा होगा। हाँ नहीं वे फोन लगा के बुलाती उसकी लाने उसको कहवा तो कह मरो तो क्या है ममता से कोई कुछ अफेयर चलता था उनका। हाँ चलता था ममता से अफेयर चलता था लड़के का आपके। हाँ कितने समय से चल रहा ये 3 साल से। 3 साल से कैसी धमकी देती थी। धमकी देती कि महेंद्र की लाने हम राख मृतक महेंद्र आपके कौन थे पति थे। क्या घटना हुई थी इनके साथ। वो रात को घर पे थे किसी राजेश नाम के लड़के का फोन आया था झिड़िया। किस दिन आया था। इतवार को। अच्छा किसका फोन आया था। राजेश झिड़िया के। अच्छा उसके बाद वो कहीं बात करने के लिए बाहर निकल गए फिर घर पे आए फिर खाना खा के सो गए थे फिर उसके बाद फोन आया किसी का तो वो फिर चले गए बाहर तो फिर लौट के ही नहीं आए। कितने बजे आया था करीब फोन पर से। फिर खाना खाने के बाद ही आया था मतलब कितने 9:30 के बाद ही आया होगा। उसके बाद से घर नहीं आए फिर। फिर घर नहीं आए। फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि इनके साथ ये घटना हो गई। सुबह पता चला कि किसी ने फांसी लगा ली झिड़िया खेड़े में तो पापा जी लोग देखने के लिए गए थे वहाँ पे फिर पता चला कि इन्होंने फांसी लगा ली लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे कभी बोलते थे कि ऐसे काम नहीं करेंगे हम लोग तुम्हारी चिंता है। अच्छा तो भाई ये पूरी जो आप फांसी की बात बताई जा रही है लोगों द्वारा पुलिस द्वारा कि फांसी लगाई गई तो आप लोगों को इस मामले में क्या लग रहा है कि वे कोई आत्महत्या है या किसी ने के द्वारा मारा गया उनको। नहीं मारा गया उनको बुला के मारा गया होगा फोन करके वो ऐसा कभी नहीं कर सकते।